तो चैप्टर 16 के पार्ट 1 में 1 से 10 तक तो सवाल हो चुके हैं। अब इस 11वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन ए प्लस साइन 3a अपान कोस ए माइनस कोस 3a। ठीक है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमें राइट हैंड साइड के बराबर लाना है जो कि है कोट ए। तो चूंकि यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस साइन 3a है जो कि यह इस रूप का है क्योंकि c की जगह पर यहाँ a है और d की जगह पर यहाँ पर 3a है। ठीक है, और जो यहाँ पर यह नीचे बटे में है कोस ए माइनस कोस 3a तो यह इस सूत्र के रूप का है। तो अंश को हम इस सूत्र की सहायता से और हर को इस सूत्र की सहायता से तोड़ लें। पहले तो साइन c प्लस d का सूत्र क्या होता है, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कोस c माइनस d अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d अर्थात a और 3a को हमें जोड़ना है फिर इसका आधा करना है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3a अपॉन 2 फिर इंटू में कोस c माइनस d होता है तो कोस c की जगह पर a है और d की जगह पर 3a है तो 3a अपॉन 2। तो यह तो हमने अंश को तोड़ा, अब बटे में जो है इसको भी तोड़ लें। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 तो c है यहाँ पर a और d है 3a तो यह हो जाएगा a प्लस 3a अपॉन 2 और फिर इंटू साइन d माइनस c तो d यहाँ पर है 3a और c है a तो 3a में से a घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3a माइनस a अपॉन 2। तो ऊपर देखिए जो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो दिया हुआ है यह गुणे में है क्योंकि साइन और कोस में जो संबंध है वह गुणे का है। इसी प्रकार साइन इस साइन और इस साइन में जो संबंध है वह भी गुणे का है। तो जब पद गुणे में हो और बटे में हो तो जब एक जैसी कोई चीज होती है तो वह तो कट जाती है। ठीक है, तो या तो एक लाइन और बढ़ाकर a और 3a को जोड़कर 4a बनेगा, 4a का आधा करेंगे 2a बचेगा तो 2 साइन 2a बचेगा और नीचे भी वही बचेगा 2 साइन 2a। तो या तो एक लाइन बढ़ाकर यह लिख लें 2 साइन 2a अपॉन 2 साइन 2a फिर काटें या अभी काट सकते हैं और यह दो तो कट ही जाएगा क्योंकि गुणे में है। तो एक लाइन यदि नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कोस a माइनस 3a अपॉन 2 और बटे में बचेगा साइन 3a माइनस a अपॉन 2। तो जो हमारे पास बचा है पहले तो वह लिख लें, तो हमारे पास बचा है कोस a माइनस 3a मतलब a में से हमें 3a घटाना है तो चूंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का ही मान आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2a क्योंकि 3a में से 1a घटाएंगे तो 2a बचेगा वो भी माइनस का और बटे में है 2 तो बटे में रखेंगे 2 तो 2 से यह 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का सिर्फ a बचेगा। अपान में क्या हो जाएगा, साइन 3a में से 1a घटाएंगे तो 2a बचेगा और 2a को फिर हम बटे में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा a तो यहाँ रखेंगे सिर्फ a। और चैप्टर 14 में हम सीख चुके हैं कि यदि साइन माइनस का थीटा हो तो जो यह माइनस होता है यह माइनस बाहर निकल आता है मतलब यह हो जाता है माइनस साइन थीटा। ऐसा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में होता है सिवाय कोस के। अगर कोस के साथ माइनस का थीटा है जैसे कोस माइनस का थीटा हो तो जो यह माइनस है यह माइनस प्लस बन जाता है अर्थात इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कोस थीटा, इस माइनस को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चूंकि कोस का उल्टा सेक होता है तो सेक अगर माइनस का है थीटा तब भी वह प्लस का ही बन जाएगा जबकि जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात 4 रह गए हैं उनमें जो माइनस होता है थीटा वह बाहर निकल आता है। ठीक है, जैसे साइन में निकल आया है कोसेक में भी निकल आएगा टेन में भी बाहर निकल आएगा कोट में भी बाहर निकल आएगा लेकिन कोस और सेक में जो माइनस का थीटा होता है वह प्लस का बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो यहाँ पर यह माइनस का a है यह प्लस का बन जाएगा तो यह हो जाएगा कोस a। ठीक है, इस माइनस को प्लस बना सकते हैं और अपान में हमारे पास साइन a तो है ही और हम जानते हैं कि यदि साइन थीटा अपान कोस थीटा हो तो उसे हम टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि कोस थीटा अपान साइन थीटा हो तो उसे हम कोट थीटा लिख सकते हैं। तो चूंकि यह कोस थीटा अपान साइन थीटा है इसलिए इसको हम कोट थीटा लिख सकते हैं तो बराबर
कोट थीटा और थीटा की जगह पर है ए, तो यह हो जाएगा कोट ए, मतलब इसकी जगह पर हम कोट ए लिख सकते हैं और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड। तो इस 11वें सवाल के जैसा ही 12वां सवाल है, क्योंकि इसमें है कोस ए माइनस कोस 3a अपान साइन ए प्लस साइन 3a, जिसे सिद्ध करके हमें टेन ए के बराबर लाना है। ठीक है, तो जो यह कोस ए माइनस कोस 3a है यह इस सूत्र की सहायता से टूटेगा, और जो यहाँ पर यह साइन ए प्लस साइन 3a है यह इस सूत्र की सहायता से टूटेगा। जैसे कि इसमें कोस ए अपान साइन ए आया है, तो इसमें आएगा साइन ए अपान कोस ए, जिसे हम टेन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 12वें सवाल को आप स्वयं ही कर सकते हैं इस 11वें सवाल की सहायता से। अब इस 13वें सवाल में चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें चाहे राइट हैंड साइड ले लें, यदि राइट हैंड साइड लेंगे तो जो चैप्टर 15 में सीखे हैं हमें वह सूत्र लगाना पड़ेगा टेन ए प्लस बी का टेन ए माइनस बी का, और जब हम यह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तब हमें इन सूत्रों का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में है साइन 2a प्लस साइन 2b अपान में है साइन 2a माइनस साइन 2b, तो जो यह लेफ्ट हैंड साइड में जो अंश में है साइन 2a प्लस साइन 2b यह इस सूत्र के रूप का है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको इस सूत्र की सहायता से तोड़ लें, तो क्या हो जाएगा 2 साइन a प्लस b, मतलब इन दोनों कोणों को हमें जोड़ना है, तो यह हो जाएगा 2a प्लस 2b अपान में 2 होता है, फिर इनटू cos c माइनस d, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b, तो 2a माइनस 2b और अपान में हो जाएगा 2। अब जो यहाँ हर में है इसमें हमें सूत्र लगाना है साइन c माइनस साइन d का, क्योंकि यह इसी रूप का है, तो इसमें क्या होता है 2 cos c प्लस d, तो यह हो जाएगा 2a प्लस 2b और अपान में हो जाएगा 2, फिर इनटू साइन, तो साइन c माइनस d अर्थात यह हो जाएगा 2a माइनस 2b अपान 2। तो अब देखिए जो यह साइन के साथ थीटा है और कोस के साथ थीटा है, तो इस साइन के साथ जो यह थीटा है 2a प्लस 2b अपान 2, तो ऊपर देखिए यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो हम 2 कॉमन ले लें, तो 2 साइन और जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a बचेगा और यहाँ पर b बच जाएगा, क्योंकि 2 तो बाहर ही ले लिया गया है, तो यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पर बचेगा b और बटे में 2 तो पहले से है, तो बटे में रख दें 2। फिर इसी प्रकार कोस में भी होगा, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a माइनस b और अपान हो जाएगा 2, फिर अपान अपान में क्या हो जाएगा 2, यहाँ से भी कॉमन ले लें 2, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस b अपान 2 और इनटू में क्या हो जाएगा साइन 2, इसमें भी कॉमन लेंगे तो a माइनस b अपान 2। तो देखिए इस 2 से यह तो 2 कट जाएगा, क्योंकि ये सब गुणे में है, ऊपर नीचे होने की वजह से यह तो कट जाएगा, और इस 2 से यह 2 कट जाएगा, इस 2 से यह 2, इस 2 से यह 2 और इस 2 से यह 2 कट जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास बचा है वह लिख लें, तो हमारे पास बचा है साइन a प्लस b, तो बराबर साइन a प्लस b और इंटू कोस a माइनस b बटे बटे में बचा है कोस a प्लस b और यहाँ पर बचा है साइन a माइनस b। अब देखिए यदि यहाँ पर भी साइन a प्लस b होता तो इससे यह कट जाता, ठीक है, और यहाँ पर यदि कोस a प्लस b होता तो इससे यह कट जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसलिए कट पिट तो पाएगा नहीं, तो चूंकि हमें टेन लाना है, ठीक है, तो साइन बटा कोस ही टेन बन पाता है, तो जो यह साइन a प्लस b अपान कोस a प्लस b है इसको हम टेन a प्लस b लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा अपान कोस थीटा हो तो उसे हम टेन थीटा लिख सकते हैं, और जब कोस थीटा अपान साइन थीटा होता है तो उसे हम कोट थीटा लिखते हैं। तो देखिए यह टेन थीटा के रूप का है और यह कोट थीटा के रूप का है, या इसको हम अलग भी कर सकते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी और अपान में रख लें कोस ए प्लस बी, तो इसको अलग कर लें और इसको इधर लिख दें इंटू कोस a माइनस b अपान साइन a माइनस b, तो जो यह साइन a प्लस b अपान कोस a प्लस b है तो इसको हम टेन a प्लस b लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा की जगह पर यहाँ a प्लस b है, तो यह हो जाएगा टेन a प्लस b, और जो यहाँ पर यह कोस a माइनस b अपान साइन a माइनस b है, तो चूंकि यह इस सूत्र के रूप का है कोस थीटा अपान साइन थीटा के रूप का, जिसे हम कोट थीटा लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा इंटू
कॉट ए माइनस बी, क्योंकि थीटा की जगह पर है ए माइनस बी, और हम जानते हैं कि यदि टेन थीटा हो तो उसे हम वन अपान कोट थीटा लिख सकते हैं, और यदि कोट थीटा हो तो उसे हम वन अपान टेन थीटा लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें कोट के रूप में तो सिद्ध नहीं करना है, हमें चाहिए टेन थीटा, तो जो यहाँ पर यह कोट ए माइनस बी है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं वन अपान टेन ए माइनस बी, जो कि वही हमारा राइट हैंड साइड भी है। तो पहले तो यह लिख लें टेन ए प्लस बी, तो अपान में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटे में ही होता है, तो हम इसके बटे में कर दें टेन ए माइनस बी, और यही हमारा है दाया पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 14वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन 75 अंश माइनस साइन 15 अंश अपान कोस 75 अंश प्लस कोस 15 अंश, जिसे हल करके हमें 1/√3 के बराबर लाना है। तो चूंकि जो यहाँ पर अंश में है यह तो है देखिए साइन 75 अंश माइनस साइन 15 अंश, जो कि साइन सी माइनस साइन डी के सूत्र के रूप का है, जहाँ सी की जगह 75 है और डी की जगह पर 15 है, तो इसका सूत्र यह होता है, तो क्या हो जाएगा 2 cos C + D, अर्थात यह हो जाएगा 75 अंश प्लस 15 अंश और अपान में रखेंगे 2, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में रख दें, तो 2 cos C + D / 2 तो हो गया। अब हमें लिखना है साइन सी माइनस डी, तो इंटू साइन सी माइनस डी, तो सी की जगह पर है 75 और डी की जगह पर है 15, तो 75 - 15/2, तो यह तो लिख दिया गया साइन 75 अंश माइनस साइन 15 अंश की जगह पर। अब चूंकि हमें कोस 75 अंश प्लस कोस 15 अंश का भी सूत्र रखना है, जो कि यह इस सूत्र के रूप का है कोस सी प्लस कोस डी के सूत्र के रूप का, तो अपान में क्या हो जाएगा 2 cos C + D / 2, अर्थात 75 अंश प्लस 15 अंश और बटे में 2, फिर इंटू कोस सी माइनस डी अपान 2, तो कोस सी माइनस डी अर्थात 75 अंश माइनस 15 अंश और बटे में हो जाएगा 2। तो चूंकि 2 cos 75 अंश + 15 अंश / 2 जैसा यह है वैसा यह है, ठीक है, यह अंश में है यह हर में है, और यहाँ पर देखिए गुणा है, इसका मतलब इससे यह कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, और कोस थीटा जो यहाँ पर जितना थीटा यहाँ है उतना ही थीटा यहाँ है, ठीक है, तो यह पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन यह थीटा और बटे में कोस यह थीटा, ठीक है, तो यह हो जाएगा साइन 75 में से 15 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 60 और बट्टा करना है 2, तो 60/2 करेंगे तो 2 + 2 = 0, 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दें हम साइन 30 अंश, और अपान में क्या हो जाएगा कोस यह भी 30 अंश ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा एक जैसा है, तो चूंकि यहाँ पर साइन 30 अंश आ गया और बटा कोस 30 अंश है, तो जब साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, तो यह हो जाएगा टेन 30 अंश, जिसका मान कितना होता है 1/√3, और चाहे तो यहाँ पर साइन 30 अंश का मान रख सकते हैं जो कि होता है 1/2, और अपान कोस 30 अंश का मान कितना होता है 3/2, तो 3/2 इस प्रकार से करेंगे तो ऊपर है 1/2, पलट देंगे इसको तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/√3, ठीक है, या हम साइन 30 अंश बटा कोस 30 अंश को टेन 30 अंश भी लिख सकते हैं, और इसका मान रख सकते हैं यहाँ पर जो कि होता है 1/√3, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, तो लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 15वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोस बी माइनस कोस ए अपान कोस ए प्लस कोस बी, जिसे हमें हल करके टेन ए प्लस बी अपान 2 इंटू टेन ए माइनस बी अपान 2 के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो चूंकि जो यहाँ पर अंश में है कोस बी माइनस कोस ए, जो कि यह कोस सी माइनस कोस डी के सूत्र के रूप का है, तो इसको हम इस सूत्र की सहायता से और इसको इस सूत्र की सहायता से तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कोस बी माइनस कोस ए को क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि सूत्र होता है 2 sin C + D / 2, तो क्या हो जाएगा 2 sin C + D, तो C की जगह B है और D की जगह पर A है,
तो यह हो जाएगा बी प्लस ए अपान टू और फिर इनटू में साइन डी माइनस सी, तो साइन डी डी की जगह पर है ए तो ए माइनस माइनस सी की जगह पर है बी तो ए माइनस बी अपान टू हो जाएगा। फिर अपान जो यहाँ पर यह कोस ए प्लस कोस बी है तो यह इस सूत्र के रूप का है, कोस सी प्लस कोस डी के सूत्र के रूप का है, तो इसको हम इस सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे जो कि होता है टू कोस सी प्लस डी अपान टू, तो यह हो जाएगा टू कोस सी प्लस डी, तो सी की जगह ए है और डी की जगह पर बी है अपान टू, फिर इंटू में कोस सी माइनस डी, तो इंटू कॉस सी, सी की जगह पर ए है और माइनस डी की जगह पर बी है तो ए माइनस बी अपान टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसा थीटा यह है वैसा थीटा यह है, ठीक है ये भी थीटा बराबर है लेकिन जो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बराबर नहीं है, इसलिए कट पिट तो पाएंगे नहीं, यहाँ से सिर्फ एक चीज ही कट पाएगी जो कि है दो। ठीक है, इस दो से यह दो कट जाएगा। तो यह सवाल देखिए 13वें सवाल के जैसा ही है, क्योंकि हम चाहें तो जो यहाँ पर यह साइन बी प्लस ए अपान टू है और अपान में कोस ए प्लस बी अपान टू है, इसको हम एक पास कर लें और इसको एक पास कर लें, तो जब हम इसको एक पास इस प्रकार से करेंगे साइन और जितना यह है उतना यह है साइन थीटा अपान कोस थीटा जब करेंगे तो यह बन जाएगा टेन थीटा, जो कि हमें वही चीज लाना है। ठीक है, क्योंकि थीटा की जगह पर नीचे यहाँ पर देखिए ए प्लस बी अपान टू है और यहाँ पर ए प्लस बी अपान टू ही है, क्योंकि जो बी प्लस ए है इसको हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा थीटा यह है वैसा ही थीटा यह है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन बटा कोस होता है टेन, तो यह हो जाएगा टेन और थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर ए प्लस बी अपान टू। ठीक है, इसको भी a प्लस बी अपान टू ही लिख सकते हैं। फिर इंटू इसी प्रकार जैसा थीटा यह है वैसा ही थीटा यह है और यह है साइन यह है कोस, तो साइन बटा कोस बराबर क्या होता है टेन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर a माइनस बी अपान टू। ठीक है, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो यह हो गया प्रूव्ड।